आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग। स्टूडेंट्स, अब हम टू डिजिट्स के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे विदाउट बोरोइंग, मतलब बिना बोरो वाले। आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में भी ये सीखा था, तो चलिए इसे करते हैं। अनंत हैड 55 क्रेयॉन्स, ही गेव 21 टू हिज फ्रेंड, हाउ मेनी क्रेयॉन्स वाज अनंत लेफ्ट विद। अनंत के पास 55 क्रेयॉन्स थे, उसने उन 55 क्रेयॉन्स में से 21 क्रेयॉन्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो उसके पास कितने क्रेयॉन बचे? तो देखिए स्टूडेंट्स, अनंत के पास टोटल कितने क्रेयॉन्स थे? 55 क्रेयॉन्स। तो हम 55 में से जो क्रेयॉन्स उसने अपने फ्रेंड को दिए, कितने दिए? 21। 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो अनंत के पास जो क्रेयॉन्स बचे हैं वो आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी ये LEFT लेफ्ट, ये लेफ्ट वर्ड जिस भी वर्ड सब में आ जाए, इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। लेफ्ट का मतलब है बचे हुए, बचा हुआ, तो जहाँ भी लेफ्ट होगा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए 55 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे, 55 माइनस 21। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हम वंस कॉलम को सॉल्व करेंगे। हमें 5 में से 1 को माइनस करना है, घटाना है। देखिए ये 5 वंस बने हुए हैं, ये वंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये टेंस को। हमने 5 वन में से 1 कट कर दिया, तो कितने वंस बचे हमारे पास? 1 2 3 4। तो हम वंस कॉलम के नीचे लिखेंगे 4। हमने वंस कॉलम को सॉल्व किया, नेक्स्ट करते हैं हम अब टेंस कॉलम को सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2, 5 टेंस है हमारे पास टोटल। 5 टेंस में से हमें 2 टेंस को कट करना है, तो हमारे पास बचे कितने टेंस? 1 2 3, 3 टेंस। सो 55 माइनस 21 इज इक्वल टू 34। हमारा आंसर क्या हुआ? 34। तो अनंत के पास कितने क्रेयॉन्स बचे? 34 क्रेयॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी हम ऐसे ही सम्स करेंगे। अब हम करते हैं मैथ जिम। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स एंड सर्कल द डिफरेंस विच इज नियरेस्ट टू 50। हमें कुछ सम्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उस डिफरेंस को, डिफरेंस मतलब अंतर, जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर। तो हमें जो डिफरेंस 50 के सबसे नियरेस्ट, सबसे पास होगा, उसे सर्कल करना होगा। तो चलिए पहले हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 96 माइनस 40, सबसे पहले हम वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 0, जब भी हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में वो नंबर खुद आ जाता है जिसमें से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 4। चलिए स्टूडेंट्स, 9 में से 4 को माइनस कीजिए, कट कीजिए। आप क्या करते हो, 9 फिंगर्स लेते हो, फिर उसमें से 4 फिंगर्स कट करते हो, और जो फिंगर्स बचती हैं, जितनी फिंगर्स बचती हैं वो नंबर आप लिख देते हो। चलो मैं आपको एक और तरीके से सब्ट्रैक्ट करना बताती हूँ। देखिए, हमें 4 को 9 में से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो देखिए नंबर 4, जो नीचे वाला नंबर है 4, उसके आगे, उसके बाद आप काउंटिंग करोगे कब तक? जब तक नंबर 9 ना आए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, फिर ये आपको जैसे क्लियर हो जाएगा। हम 4 के बाद काउंटिंग करेंगे, 4 से आगे काउंटिंग करेंगे, कब तक? जब तक नंबर 9 ना आए। तो चलिए बोलिए 4 के बाद, 5 6 7 8 9, हाउ मेनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट करते हैं 99 माइनस 46। सबसे पहले वंस को माइनस करेंगे, 9 माइनस 6, तो इसे भी हम फिंगर्स पे ऐसे ही करेंगे। आपको 6 के बाद, 6 से आगे काउंटिंग करनी है जब तक 9 ना आए। तो चलिए कीजिए, 6 के बाद 7 8 9, हाउ मेनी फिंगर्स? 3 फिंगर्स। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब टेंस कॉलम को सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 4,
आपको 4 से आगे काउंट करना है 9 आने तक. 5, 4 के बाद क्या आता है? 5, 5, 6, 7, 8, 9. हमारे पास 5 फिंगर्स हुई, तो 9 माइनस 4 हुआ 5. नेक्स्ट करते हैं 74 माइनस 22. इसे भी ऐसे ही करेंगे, 2 के बाद काउंट करना है 4 आने तक. 3, 4, 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. अब 7 माइनस 2 करते हैं, आप 2 के बाद काउंट करेंगे, 2 से आगे काउंट करेंगे 7 आने तक. 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मेनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स. तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. 87 माइनस 43. अब हम वंस कॉलम 7 माइनस 3 करेंगे, 3 के बाद काउंट करो 7 आने तक. 4, 5, 6, 7. 4 फिंगर्स. तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. अब हम 8 में से 4 को भी ऐसे ही माइनस करेंगे, आप 4 के बाद काउंट करोगे, 4 से आगे काउंट करोगे 8 आने तक. 5, 6, 7, 8, 4. तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, उस डिफरेंस को जो हमारे आंसर आए हैं उस आंसर को हमें सर्कल करना है जो 50 के सबसे नियरेस्ट है.